इंटरपोल महासभा में दाऊद इब्राहिम पर सवाल पूछने पर पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। भारतीय अधिकारियों ने जब अंतर्राष्ट्रीय आतंकी दाऊद पर सवाल पूछा तो पाकिस्तानी अधिकारी बगले झांकने लगे। दिल्ली में हो रही 92वीं इंटरपोल महासभा का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों का बलिदान हमेशा याद रहेगा। देयर आर मेनी हार्मफुल ग्लोबलाइज्ड थ्रेट्स दैट द वर्ल्ड फेसेस, टेररिज्म, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, पोचिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। 25 साल बाद भारत में इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है जिसमें 195 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन को इंटरपोल के रूप में जाना जाता है। भारत में इस महासभा का आयोजन 1997 में हुआ था। उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसा केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़चट्टी के पास हुआ। यह हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का था। श्रद्धालुओं को केदारनाथ से वापस लाते वक्त खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। उत्तराखंड एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि कम विजिबिलिटी हादसे की वजह हो सकती है। कम्प्लीटली विजिबिलिटी नहीं हुआ होगा। पूरा इंक्वायरी के बाद जो है हमें स्पष्ट पता चलेगा कि विजिबिलिटी खराब होने के बाद वो क्या कहीं पे टकराया गया है या क्या है, ये इंफॉर्मेशन जो है बाद में इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग हुई है। इस बार आतंकियों के निशाने पर यूपी के 2 मजदूर रहे जिन पर आतंकियों ने सोते समय ग्रेनेड फेंक दिया था। हादसे में बुरी तरह घायल मनीष और राम सागर को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सपोर्ट सिस्टम को चलाने वाले लोग, मैं कहना चाहता हूं, उनकी ताबूत में आखिरी कील भी ठोकी जाएगी। इस केस में पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्करे तैयबा का हाथ मान रही है। जल्दी जो मेन कल्पित टेररिस्ट जो है जिसके लिए काम करता है ये लश्कर तैयबा का दानिश हो गया, चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमांडर आबिद हो गया, इसको जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। पिछले 4 दिनों में टारगेट किलिंग की ये तीसरी वारदात है जिसके बाद जम्मू में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। लोगों ने टारगेट किलिंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नोएडा की लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में कुत्तों के जानलेवा हमले ने 1.5 साल के बच्चे की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक सो रहे बच्चे को कुत्ते उठा ले गए और उस पर हमला किया। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी बच्चे की जान बच न सकी। कुत्तों का हमला इतना खतरनाक था कि हमले में बच्चे की आंतें तक बाहर आ गई। सर्जरी के बावजूद भी बच्चे की जान न बच पाई। बच्चे की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी की टीम ने आवारा कुत्तों पर एक्शन लेते हुए कुत्तों को पकड़ने का काम शुरू कर दिया है। कोई डॉग जो है बार बार काट रहा है तो उसको जो है ले जाके शेल्टर होम में रखना और 1 महीने तक उसको सुधारना और उसके बाद वापस छोड़ना। चूंकि माननीय न्यायालय के ऐसी गाइडलाइंस हैं, हम कुत्ते को पूरी तरीके से कहीं से भी डिस्पोजेस नहीं कर सकते हैं। मासूम की मौत पर सोसाइटी के लोगों में जबरदस्त आक्रोश दिखा। बहुत सारे लोगों ने नोएडा अथॉरिटी के लोगों का विरोध किया और पूछा कि शहर की सोसाइटियों को आवारा कुत्तों से निजात कब मिलेगी। जो भी डॉग लवर्स हैं वो भी प्रोटेक्ट करते हैं, इनको हम बाहर नहीं निकाल सकते। हमारे बच्चे अनसेफ हैं, बहुत अटैक्स हो रहे हैं, हम तंग आ चुके हैं, हमें सोल्यूशन चाहिए। राजस्थान के भिवाड़ी से अगवा किए गए 3 में से 2 बच्चों की दिल्ली में हत्या कर दी गई। दिल्ली के महरौली इलाके के जंगलों में दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं। तीसरे बच्चे को दिल्ली पुलिस ने बचा लिया है। फिरौती की बात आई थी, जो मृतक के पिता है उनके भाई के पास एक फोन आया था कि इस तरह के आपके बच्चों को हम बता देंगे और आप हमारे को उसमें पैसे दो। बच्चों को भिवाड़ी की सांथलका की लेबर कॉलोनी से 15 अक्टूबर को अगवा किया गया था। परिवार ने उनकी बरामदगी के लिए एसपी ऑफिस के बाहर धरना भी दिया था। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया था जिसके बाद बच्चों की हत्या की बात सामने आई थी। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में सीबीआई के सवालों का सामना करने के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुजरात पहुंचे और अहमदाबाद में रोड शो किया। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सीबीआई और ईडी पूरा देश जानता है और आप लोग मीडिया में भी छाप रहे हैं कि किस तरह से अब सीबीआई और ईडी का काम केवल ये रह गया है कि चुनी हुई सरकारों को कमजोर करना। वहीं बीजेपी ने सिसोदिया पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और उन्हें नार्को और लाइट डिटेक्टर टेस्ट का सामना करने की चुनौती दी।
बीजेपी ने भगत सिंह से तुलना करने को आम आदमी पार्टी की बेशर्मी बताया। किस प्रकार की ये तुलना करी जाती है? कभी आम आदमी पार्टी के लोग अपनी तुलना कान्हा जी से करते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनकी तुलना कान्हा जी से, भगत सिंह जी से की जाती है।